subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Home Academy. इस वीडियो में हम परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द इलेक्शन. सो इफ यू लाइक अवर वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डेट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वेन एवर वी अपलोड. तो इससे पहले हमने चार पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं परसेंटेज के टॉपिक पे. इस वीडियो को देखने से पहले आप उन पार्ट्स को जो है जरूर देखिए. तो यहाँ पर हम बेस्ड ऑन इलेक्शन पे जो है क्वेश्चन करेंगे. इलेक्शन जो है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं. सबसे पहले जो है हमारी जो भी पॉपुलेशन होती है किसी भी एरिया की उसकी एक वोटिंग लिस्ट बनती है. वोटिंग लिस्ट में वो पर्सन होते हैं जो कि वोटर्स होते हैं. किसी एरिया में 1,00,000 पॉपुलेशन है मे बी उसमें से 60,000 जो है वो वोटिंग लिस्ट में होंगे क्योंकि अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं. तो हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एक तो वोटिंग लिस्ट भी पूछा जाता है जैसे फाइंड द नंबर ऑफ द वोटिंग लिस्ट. फिर नेक्स्ट हमारे पास होती है जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें से जो पर्सन जो है वोट देते हैं. अब पूरी की पूरी वोटिंग लिस्ट में से हर कोई वोट तो नहीं देता. जो भी पर्सन जो है जितने भी पोल्ड होते हैं वोटर्स हम लिख सकते हैं इसको पोल्ड वोटर्स और इसी को हम लिख सकते हैं या वोटिंग जितनी वोटिंग होती है 80% 90% 60% जो भी वोटिंग होती है. नेक्स्ट हमारे पास जो भी पोल्ड वोटर्स होते हैं उसमें से हम निकाले जाते हैं वैलिड वोट के वोट जो है वो वैलिड कितने हैं. कुछ वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वैलिड वोट कितने हैं और इनवैलिड वोट्स कितने हैं. तो आपको क्वेश्चन में वैलिड वोट भी पूछा जाता है जैसे ये क्वेश्चन है वैलिड वोट्स निकालने के लिए पूछा जाता है. अब जो भी हमारे पास वैलिड वोट्स होते हैं वो हमारे 2% जो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिए होते हैं एक जो होता है वो इलेक्शन जीत जाता है जिसे हम बोलते हैं विनर. तो विन और दूसरा जो होता है इलेक्शन लूज करता है जिसे हम लॉस्ट बोलते हैं इलेक्शन लॉस्ट. तो जो भी 2 कैंडिडेट है एक इलेक्शन जीतेगा एक इलेक्शन जो है हारेगा. तो वैलिड वोट में से कितने वोट जो है विनर को मिले और कितने वोट जो है वो लूजर को मिले. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये जो था बेसिक सा कंसेप्ट था अब हम इसी पे जो है क्वेश्चन करेंगे. यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे इसी के रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 15 है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड. एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 20% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड. तो टोटल वोटर जो है लेट अस सपोज जो होंगे वो टोटल वोट जो होंगे वो 100 वोट्स होंगे टोटल वोट और जिसमें से 20% वोटर्स वोट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं इनवैलिड. तो ये -20 कर देंगे 20% जो है वो डिक्लेयर किए गए इनवैलिड. तो कितने बच गए हमारे पास 80 बच गए एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट. अब जो ये 80 है इसमें से कुछ वोट जो है विनर्स को मिलेंगे. विनर्स को लेट अस सपोज 70% वोट मिल रहे हैं जो कि यहां पर दिया गया है विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय 9600 वोट. अगर विनर को 70% वोट मिल रहे हैं तो आप बोलिए लूजर को जो वोट मिले होंगे वो कितने मिले होंगे 30% मिले होंगे. और यहीं पर एक कंडीशन दी गई है कि वो कितने से जीत रहा है 9600 वोट से जीत रहा है. तो ये विनर है और ये लूजर है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा 40% का होगा. तो मतलब जो 40% की वैल्यू है वो कितनी होगी वो होगी 9600 के बराबर. और हमें क्या निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट. वोटिंग लिस्ट में कितने हैं और वैलिड वोट्स कितने हैं. मतलब हमें इस 100 वोटिंग लिस्ट की भी वैल्यू निकालनी है और ये जो वैलिड वोट है 80 इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है. हमें पता है जो 40% है वो किसके बराबर है 9600. तो 100% जो होगा 100% मतलब जो वैलिड वोट है और हमें पता है 100% जो वैलिड वोट है वो कितने हैं 80 है. वो किसके बराबर होगा 9600 के बराबर होगा डिवाइडेड बाय हम 40 कर लेंगे और इनटू 100 कर लेंगे. जो जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर लेंगे 4 और 0 कैंसिल हो जाएगा 4 1s are 4 हो जाएगा 4 2s are 1 इधर 4 24 240s are. तो हमारा जो वैलिड वोट होगा मतलब जो वैलिड वोट होगा
वो कितना है, 80 है, वो कितना हो जाएगा, 24000, 24000 जो होगा वो वैलिड वोट्स होंगे। और वोटिंग लिस्ट में कितने हमारे पास है, 100 है, वोटिंग लिस्ट में जो है वो 100 है, 100%। वोटिंग लिस्ट किसके बराबर होगी, 24000 डिवाइडेड बाई वैलिड वोट 100 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 24 होगा, 30,000। तो 30,000 जो होंगे वो हमारे पास वोटिंग लिस्ट में होंगे, और उसमें से जो वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे, 24,000 होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, IBPS PO 2018 में पूछा गया है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, जिसमें से 20% वोटर है जिन्होंने वोट नहीं दिया, 12 1/2% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12 1/2% जो वोटर्स है उन्हें डिक्लेयर किया गया है इनवैलिड, एंड द विनर गेट 60%, और विनर को कितने मिल रहे हैं, 60% वोट्स, और वो कितने वोटों से जीतता है, 5600 वोटों से वो जो है जीत जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर लिस्ट, तो हमने यहाँ पर वोटर लिस्ट में यानी कि वोटिंग लिस्ट में जो है टोटल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सपोज जो टोटल वोट्स है ना वोटिंग लिस्ट में वो कितने हैं, 100 मान लेते हैं हम, और 100 मान लिया, बट हमारे पास कंडीशन दी गई है, इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 20% वोटर डिड नॉट वोट, जो 100 टोटल माने थे उसमें से 20% जो है वो वोट नहीं देते, तो कितने बचे हमारे पास, 80% बच गए, 80% परसेंट नहीं लिखेंगे, 80 बच गए, और इसमें से 12 1/2% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो ये वो है 80 जिन्होंने वोट दिया, ये वो है जो कि वोटिंग लिस्ट में है, और ये वो है जिन्होंने वोट दिए। अब जिन्होंने वोट दिए उसमें से कुछ वैलिड वोट है, कुछ इनवैलिड वोट है, तो दिया गया है 12 1/2% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12 1/2% जो है वो क्या डिक्लेयर किए जाते हैं, इनवैलिड। 12 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ी है 1/8 होता है, मतलब 81/8 कितना हो जाएगा, वो 10% निकलेगा, तो वो जिन्होंने वैलिड वोट जो होंगे वो निकल गए कितने, 74, और 70 में से जो है 60% जो है वो किसे मिलते हैं, वो मिलते हैं विनिंग कैंडिडेट को 70%, और ऐसा कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लूज किया, सॉरी 60% दिया गया है, 60%, और जिसने इलेक्शन लूज किया उसे कितने मिलेंगे, 40%। ये कौन सा है विनर और ये कौन सा है लूजर, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, वो होगा 20% का डिफरेंस, 20% का डिफरेंस। और एक कंडीशन दी गई है, ये जो 20% है वो किसके बराबर है, 5600, तो दिया गया है, एंड द विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड ही विन बाई 5600, मतलब जो विनर है उसने कितने वोट ज्यादा लिए लूजर से, 5600 वोट। तो इसका ये मीनिंग है जो हमारा 20% है उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 5600 के बराबर है, मतलब 100% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इसे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 जो हो जाएगा ये 28000 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, वोटर लिस्ट में कितने हैं, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 28000 यानी कि 70 के बराबर। तो हम इससे ये भी निकाल सकते हैं जो 1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये किसकी है एक्चुअली में, 700% जो वैल्यू है ये इस 70 की वैल्यू है जो कि कितनी है, 28000 28000, जिसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 400 वैल्यू हो जाएगी, और जो वोटिंग लिस्ट में मेंबर है वो कितने हो जाएंगे, 100 है, 100 की वैल्यू जो होगी 400000 हो जाएगी, 40000 हो जाएगी। ये जो हम निकालते हैं 28000, ये एक्चुअली में 100% क्यों है, ये 70 है, ये जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट टोटल कितने हैं, 70, और ये जो है अपने में खुद एक 100% है, जिसमें से 60 इसे मिले 40 इसे मिले, तो ये आपका जो है 40000 जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्शन है, इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट,
लेट अस सपोज वोटिंग लिस्ट में हमारे पास 100% थे और उसमें से 10% ऐसे वोटर है जो वोट नहीं देते, मतलब कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे 10% ने अगर वोट नहीं दिया, एंड 11.9% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से 11.9% जो है, 11.9% जो है वो वोटर जो है डिक्लेयर किए जाते हैं इनवैलिड। आप बोले 11.9% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, तो 91/9 जो करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो मतलब तो ये कितना आ जाएगा वैलिड वोट्स में, 80 आ जाएगा। अब 80 वो वोट्स है जो कि वोट वैलिड है। अब ये वैलिड वोट जो है ये हम विनर्स को भी मिले होंगे और यही वैलिड वोट जो है उस कैंडिडेट को भी मिले होंगे जिसने जो है इलेक्शन को लूज किया होगा। तो इसमें से दिया गया है एंड द विनर के 75% ऑफ द वैलिड वोट, विनर को कितने मिले हैं, 75% मिले हैं। तो इसका ये मीनिंग होगा जो लूजर होगा उसको कितने मिले होंगे, 25% मिले होंगे। और इनका अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा डिफरेंस इनका। तो एक और बात भी दी गई है, इफ ही विंस बाय 2000 वोट देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। तो हमें वोटिंग लिस्ट निकालना, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसने 40% जो है इनका डिफरेंस है मगर ये कितने से जीत रहा है, 2000 से, तो ये मतलब होगा कि 40,000 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2000 होगी। और अगर हम वैलिड वोट देखेंगे यानी कि हमारे पास जो 80 होंगे उसकी वैल्यू, पहले हम 100% की वैल्यू जो निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाई 2000, सॉरी ये 50 होगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 है, 2000 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 4, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4000 होगी। और ये 100% क्या शो कर रहा है, ये 80 को शो कर रहा है, यानी कि ये वैलिड वोट्स को शो करता है। जो वैलिड वोट है 80, ये खुद नंबर जो है अपने में 100% है, जिसमें से 75% जो है वो विनर को मिला और 25% जो होगा वो लूजर को मिलेगा। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 4000 होंगे। अब टोटल लिस्ट कितनी थी, 100 थी, 100 में से जो है 100 निकाल लेते हैं, वोटिंग लिस्ट निकालेंगे, ये वैलिड वोट है और हम अब वोटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो कितना हो जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 100 हो जाएगा, 8 1 8, 8 5 0, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में जो है पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है। अभी हम जितनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये करने की आपको जरूरत नहीं होगी, ये सारा कुछ आप माइंड में कर सकते हैं, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो अभी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में भी कैसे करना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क का जो है, ये क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पहले हम 100 मान लेते थे वोट और इसने बोला 10% ने जो है वोट नहीं दिया, तो कितने बच गए, 90 बच गए। और 90 में से भी 10% वोटर जो है वो क्या है, इनवैलिड है, तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो कितने बच गए वोट, 81। और ये जो 81 है ये क्या है, ये हमारे पास वैलिड वोट्स है। अब ये जो वैलिड वोट है ये विनर को भी मिले, ये लूजर को भी मिले। आगे दिया गया एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वोट वैलिड वोट, इसमें से विनर को 70% मिले, तो बाकी के जो बचे 30% बचे वो किसे मिले, लूजर को मिले। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 40% का जो डिफरेंस है। और हमारे पास दिया गया है एंड ही विन बाय 7290 वोट, मतलब जो 40% है, जो विनर है वो कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 7290 वोट से जीता है। तो हम इस वैलिड वोट की परसेंटेज निकाल लेते हैं, मतलब 100% ये कौन से हमारे पास वैलिड वोट जो के है 81, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7290 होगी डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 होगी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 होगा, 4 8 32 होगा और ये 900 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैलिड वोट निकले 1 8 2 2 5 निकले। बट हमें निकालना क्या है, फाइंड द वोटिंग लिस्ट, मतलब हमें ये 100 निकालना है। तो वोटिंग लिस्ट जो होगा 100 है, उसमें 1 8 2 2 5 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 हो जाएगा, ये क्या है, वैलिड वोट है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, जो है सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स का यूज करना है।
एट और प्लस वन कितना होता है, नाइन होता है, और एट और वन कितना होगा, नाइन होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये आपके डिजिट सम से, तो आपका आंसर क्या होगा, 22500। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया, ये IDPS क्लर्क में पूछा गया था। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.